इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह आपका निकल गया है साथियों, इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। अगर आप चुप हो जाओगे थोड़ी देर तो मैं बोल पाऊंगा। मैं भी अभी 20 जलसे कर आ रहा हूँ और माहौल ऐसा बना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अखबार वाले लिखेंगे नहीं, लेकिन ये फेसबुक सब दिखाने का काम कर रहा है साथियों। और आप सब एक बात कह रहा हूँ, मेरी शक्लें मत दिखाओ फेसबुक पे, पब्लिक दिखाओ जिससे लोगों को पता चले कि कितना बड़ा जलसा चलने का काम हो रहा है साथियों। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि लोगों को मुगालता और गलत फहमी दूर हो जाने चाहिए कि उनके होने से या ना होने से कहीं हम जा भी नहीं सकते। गुरूर तकब्बुर अल्लाह ताला को सख्त ना पसंद है, और कोई मुझे चैलेंज कर दे कि भला पहनने के अंदर घुसने नहीं दूंगा, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनका गुरूर को तोड़ने का काम करे। और अल्लाह ना करे तुम्हें कभी जरूरत पड़े, क्योंकि जरूरत पड़ने पे मेरा अलावा कोई किसी के काम नहीं आता। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों, आज जो दो चार दिन के अंदर तूफान चलाने की कोशिश हुई थी वो चार दिन से ठंडा होता जा रहा है। कल गाड़ों के चौक के जलसे में शहर की तस्वीर को साफ कर दिया था कि शहर अब पूरी तरह से पलट गया है। बहुत शोर मचा रहे थे तोते, ये बिके हुए तोतों का शोर गली गली दिखाई दे रहा था, लेकिन अल्लाह ने धीरे धीरे दूर करने का काम कर दिया है साथियों। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह मैंने जो पहले दिन कहा था वही बात आज मैं कह रहा हूँ कि हम 2 लाख से इंशाल्लाह चुनाव जीतने जा रहे हैं साथियों। हम 2 लाख से चुनाव इंशाल्लाह जीत गए। हालात और माहौल बन रहा है, लोगों को काम की जरूरत है, लोगों को काम की जरूरत है। इमरान जीत कर भी और हार कर भी दोनों सूरतों में मैदान में रहता है, दोनों सूरतों में। मैंने कल भी एक बात कही, आज भी वही बात दोहरा रहा हूँ। आप एक बात बताओ, मेरी जीत और हार से आप क्या फर्क पड़ रहा है? आपने तो कोई मेरा फर्क पड़ने नहीं दिया। आपके किसी काम में कोई कमजोरी आ रही थी हो, या मैं हार करके घर बैठ गया हूँ? मैं तो हारने के बाद भी 1 घंटे के अंदर बाहर खड़े होकर सड़क पर बोल रहा था, गाँव पूरे के लिए संघर्ष की तैयारी करी। और काम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सरकार किसी की हो, काम कराना इमरान जानता है। राघव नगनपाल से लोग नाराज हैं, लोग नहीं चाहते हैं कि राघव नगनपाल जीते, इसलिए वो मेरे साथ में बहुत बेचैन है। मुझे राघव नगनपाल से जो लोग नाराज हैं, इतनी इतनी भीड़ मेरे साथ लेकर चल रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि राघव नगनपाल हारे लेकिन इमरान जीते। तो ऐसे साहब नहीं, गुंडागर्दी कोई नहीं चाहता है कि गुंडागर्दी शहर के अंदर हो जाए। शहर में ये अंडे की क्रेट उठाए और चलता बने कलम, ये पैसे वाले लोग, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पैसे वाले लोग चाहे जो भी हो, ये सिर्फ गुंडे पालते हैं, चूंकि काम करने की इनको आदत नहीं है, काम करने की इनको आदत नहीं होती है। सहारनपुर में लड़ाई साफ है, आपको मैं कुछ आंकड़े बता रहा हूँ और हिसाब अपने आप में वाले ना आगे बता रहा हूँ। आज मेरे बैठे बैठे दिमाग में आया कि मुझे कल एक ने कहा कि सारे नहीं कह रहे 4 लाख दलित हैं, 4 लाख दलित हैं, तो 4 लाख दलित हैं, तो 74% पोल हुआ था, 72% पोल, 74% पोल हुआ था, और वोट पड़ा था भाजपा को 3 लाख
लाख छह हजार, 3,06,000 ये तो इलेक्शन कमीशन का 74% पोल हुआ था, 3,06,000 वोट पड़ा। इकबाल साहब चुनाव लड़ रहे थे बेहट से, बेहट के अंदर नरेश सैनी को अगर सारा का सारा मुसलमान मिलता तो नरेश सैनी को वोट मिलना चाहिए था 1,35,000, नरेश सैनी को वोट मिला 97,000, 5-4,000 वोट बर्बाद समझ लो, तो 25-30,000 वोट तो इस बात साहब ले गए। एक दूसरे लड़े थे चुनाव हमारे वाजिद साहब, वहां मुझे वोट मिला था 2014 में 69,000, शाहजान को वोट मिला था 9,000 शाहजान को मिला था, 69 और 9 कितना हो गया 78,000, 1-2,000 खराब हो जाता होगा। वही 80,000 पोल वोट वहां पे मुस्लिम का है, तो वहां माविया को वोट मिलता है 54,000, बीजेपी को तो मुसलमान गया नहीं, तो 54,000 पोलिंग परसेंटेज वही है 54,000 और प्लस 78 में से घटा दो 54, कितना आया 26,000, 1-2,000 कर गया तो 24,000 उनको मिल गया, वोट कितना हुआ 54,000 पिछला वोट और ये मिलाकर 54, 5-7,000 वोट देहात विधानसभा से, 5-7 बहुत ज्यादा नहीं, 5-7,000 वोट जगबान भी ले गया, इमरान प्रमुख भी था, इस्माइल प्रमुख भी था, बलानी भी था, 50 पड़ता है, कितना हो गया साहब लगभग 61,000, 5-7,000 मानू भी ले गया, कितना हो गया 67,000, 2-1,000 शहर में भी गए होंगे, तो 70,000 मुसलमान साहब आपके पास चला, पूरी जिले में 20,000 वोट नॉन दलित नॉन मुस्लिम, इतने गुर्जर नेता, इतने सैनी नेता, इतने फलाने नेता, 20,000 वोट तो ये भी मिला उन्हें, तो 3,06,000 में से 90,000 वोट घटा दो कितना आ गया 2,16,000, ये तो पोल वैल्यू है दलित वोट की, ये पोल वैल्यू है दलित वोट की। अब इसमें भीम आर्मी चढ़ी हो गई, अभी बीमार का पत्ता जिस दिन उठेगा इसका पत्ता उसी दिन टप से गिर जाना है, बीमार भी के लोग सारे मेरे साथ काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हम इतना दिला देंगे, मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अगर 20% का भी डेंट कर दिया तो बाबू 40,000 वोट ये निकाल दो, इसमें से 160 भी रह गया, ये रह गए 170 पर, अब 170 के ऊपर खड़े होंगे, ये पहलवानी इमरान से कर रहा है, इमरान का भी सुन लो आगा, मुझे 2014 में मिले 4,08,000, 2017 में मिले 4,29,000, 3 MLA जीते मेरे से, 3 MLA जीते, 1 MLA सहारनपुर से जीता, सहारनपुर के MLA को मिले 1,24,000, मुझे वोट मिले थे 1,10,000 पार्लियामेंट में, और जब 6 महीने में मेयर का चुनाव हुआ तो बाबू साहब को वोट मिले 10,000, समाजवादी मुसलमान लड़ाया और साजिद को वोट मिले 10,000, और लाला जी ने अपने एक वार्ड में भी उसे एक वोट नहीं दिलवाया, मुसलमान के वोट पर MLA मुसलमान से लेने में दिक्कत नहीं है, देते जाती है, समझ गए आप, 1,10,000 यानी 15,000 वोट हमसे वो ज्यादा ले गया, मेवन में वो 15,000 वोट हमसे कम ले गया, इनका जो वोट था इनके वोट को अगर आप कैलकुलेट करो तो मेरा वोट इन 3 विधानसभाओं में बढ़ा जहां मेरे कैंडिडेट मेरे साथ लड़ रहे हैं, तो 4-29 में से मेरा घटाओ कितना वोट घटाते हो, घटाओ कितना घटाते हो, और घटाकर लाकर फिर बताना ये कठिनी है, इनका मुकाबला इस कठड़े से कैसे करेंगे, इस गठड़े से कैसे करेंगे, शोर उठा रखा है तोतों ने पैसे ले लिए,
तोते बिके हुए हैं, तोते पैसे लेकर बोल रहे टुल 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 जगवंदन 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 पैसे जेब में और ठगबंधन ठगबंधन क्या करेगा भाई तेरा ठगबंधन जरा सी एक सिपाही आ जाए ये पूरी नदी गोलानी खाली हो गई थी कहा थे सूरमा भोपाली सारे के सारे कहा थे सूरमा भोपाली सारी नदी गोलानी खाली थी एक लड़के ने का मर्डर हो गया था ये मसूद कुरैशी ने ये करा था मैंने उसे कहा मेरे सर को उठा जब हंगामा हो रहा था तो 10-15 साल पुरानी बात हो गई सारी नदी कॉलोनी में सिर्फ औरतें औरतें थी कौन आए कौन बात कौन लड़ेगा आपके लिए कौन आएगा कौन लड़ेगा कोई बोलने वाला है नहीं सिर्फ इमरान की मुखालफत करनी है और एक बात आपसे कह रहा हूं योगी आएगा तो मुझे गाली देगा मोदी आएगा तो मुझे गाली देगा इसे फजल रहमान को कोई क्यों नहीं कुछ कह रहा भाई इसे इसलिए भी नहीं कह रहा कि इनके साथ गठबंधन है असल गठबंधन तो इनका इनके साथ है इसकी सरकार में बीजेपी की सरकार में मीट की बैठक फजलुर रहमान की चल रही बाकी फैक्ट्री अबंद है सही बात है फजलुर रहमान की फैक्ट्री चल रही है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है मतलब साफ है ये कारोबारी जुगाड़ सब जगह हुआ हुआ है इमरान को तुम भी मारने को तैयार हो इमरान को मोदी और योगी भी मारने को तैयार है कौन सा दूसरे जगह को कह रहे हैं तो भैया एक बात सुनो आठ आधा जैसे कैमरा दूसरे में चल रहा है मैं सिर्फ एक गुजारिश करके अपनी बात खत्म करूंगा कि 8 तारीख को राहुल जी और प्रियंका गांधी आ रहे हैं और राहुल प्रियंका गांधी इसलिए आ रहे हैं सहारनपुर में कि इमरान लड़ रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी और योगी इसके पीछे लगे हैं वो तो मेरी हिफाजत के लिए दिल्ली से आ रहे हैं और तुम मेरी हिफाजत एक वोट दे ही नहीं सकते मुझे एक वोट ही तो चाहिए जो मेरी हिफाजत कर दे ये लोग मुझे बर्बाद करने पर तुले हैं आप भी उनकी साथ शामिल हो जाओगे साथियों दे दीजिएगा चलिए हम साथ दौड़ में बढ़ेंगे अच्छा सर नमस्कार